इसमें वन बाय वन सारे सारे फंक्शंस को देखते हैं और समझते हैं। कुछ फंक्शंस तो हम करके बताएंगे, कुछ फंक्शन तो आपको थ्योरिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एएससी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एएससी का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है कोड। जैसे कोड का फॉर्मूला था हमारे पास एक्सेल में, ऐसे हमारे पास एएससी का फॉर्मूला बीबीएम में होता है कि अगर आपको यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे कोई कोड डाला तो उस कोड से रिलेटेड चीजें आ जाती है। तो बात करते हैं हम स्काई वैल्यू पे, और साथ में यहाँ पे सी एच आर एक्सल में जो हमने कैर का फॉर्मूला अपनाया था, कैर का फॉर्मूला जो हमने एक्सल में अपनाया था वो हमारा क्या है, यहाँ पे सी एच आर है। तो दो फॉर्मूले आपके सामने, एस एस सी एंड सी एच आर। अब इसका यूज जो है, जैसे हम एक्सेल में वहां भी यूज कर देते हैं, यहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करें कैसे, क्या समझा है? तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास यहां पे टेक्स्ट है, नंबर है, टेक्स्ट है, नंबर है, टेक्स्ट है। मैं चाहता हूं कि सारे टेक्स्ट हट जाए, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे एरे वाले फॉर्मूले से नहीं हटेगी, क्योंकि इसमें जो है दो नंबर, दो जगह नंबर है। अगर एक ही नंबर होता है, 52 लास्ट में है और 53 नहीं होता, तो आई थिंक हमारा एरे का फॉर्मूला जो था वो काम कर जाता। तो इसको बीबीएम से हटाया, ठीक है। तो अगर हम एक्सेल में बात करें, हेलो मॉर्निंग, नोट कर लो 391, मेरा एसएमएस काम नहीं कर रहा है, 391 169 885, ठीक है। तो अगर हम एक्सेल, मान लो कि एक्सेल में बात करें, तो एक्सेल में कैसे करेंगे? एक्सेल में हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, ये करेंगे ना, नहीं सब्स्टिट्यूट हटाना है ना सारा, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करना है। तो सब्स्टिट्यूट इसको सिलेक्ट किया हमने, बोला इसमें से हमें ए को हटाना है, ए के जगह ब्लैंक करना है, ऐसे ही डी को, फिर एस को, फिर ऐसे कंटिन्यू करते चले जाना है। क्लियर है? तो इसमें हम अपने एक्सेल के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, रिप्लेस है। अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, रिप्लेस है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, एक तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, यार दीपांकर, यार दीपांकर कर लो, सही कर लो, कर लो, सही कर लो, म्यूट करो। हाँ तो यहां पे रिप्लेस, और सब्स्टिट्यूट का अल्टरनेटिव क्या होता है, रिप्लेस फॉर्मूला। लगाने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका सिंपल सा है कि जैसे सब्स्टिट्यूट लगता है ऐसे कि अल्फाबेट किसको किससे रिप्लेस करना है, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट। कोड भी जस्ट लाइक कैर भी जस्ट लाइक कोड होता है, कैर फॉर्मूला है, और कोड का फॉर्मूला भी जस्ट लाइक कोड का फॉर्मूला है, ठीक है। बट प्रॉब्लम आती है कि हम वीवीए के अंदर में 26 बार मुझे रिप्लेस का फॉर्म लगाना पड़ेगा, 26 करेक्टर, फिर आपको स्पेशल करेक्टर्स। तो यहां पे हमें मदद करेगा स्काई, स्काई टेबल। जो कोड जो फॉर्मूला हमारा यूज करता है वो इस टेबल यूज करता है। देखिए नंबर्स जो है, कंप्यूटर और नंबर कई तरह के होते हैं, जो डेटा होता है कई तरह होता है, हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल और करेक्टर, ठीक है ना। तो करैक्टर जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, और जो डेसिमल नंबर है वो ए नंबर होता है। तो कंप्यूटर जो आपको रिटर्न करता है डेसिमल नंबर रिटर्न करता है, मतलब कि अगर मैं कोड फॉर्मूले में, मतलब कैर फॉर्मूले के अंदर में, यानी कैर फॉर्मूले के अंदर में अगर मैं 65 डालू, तो क्या रिटर्न करेगा, ए रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमने देखा कि इस स्काई टेबल में कि 65 से लेके कंटिन्यूअस 127 तक सिर्फ करैक्टर है। तो हम लूप लगा सकते हैं कि भाई लूप चले 65 से कहां तक चले, 127 तक चले, और क्या रिटर्न करे, तो कैर आई।
अगर होगा तो रिटर्न रिप्लेस करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगर सब्स्टिट्यूट के अंदर में अगर आप मान लीजिए इसमें कोई ऐसी वैल्यू डाल दो जो कि है ही नहीं, जैसे मैंने पी डाल दिया इसके अंदर, तो पी नहीं है तो बस जो वैल्यू है रिटर्न कर देगा, नहीं रिप्लेस करेगा, जो होगा उसी को रिप्लेस करेगा ना। तो इसी के लिए हम आई एम फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा वो फन वाला खुला हुआ है ना, यहां पे करते हैं फंक्शन नंबर यू नम आर, नम आर के नाम से बनाते हैं, एन एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, हमने एक इनपुट ले लिया एन एज ए स्ट्रिंग। हम करते हैं कि फोर आई इक्वल टू क्या था हमारा, यहां पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं 58 से, कि 58 टू 127, ओके। अब यहां पे कर देते हैं डिम डी एज ए स्ट्रिंग, एक ट्विस्ट नहीं स्ट्रिंग रेंज होने दें, फॉर्मूला में कोई पार्टिकुलर डेंस डिफाइन नहीं होता है, सारा वेरिएबल्स के जरिए होता है, याद रखना। तो यहां पे हम d इक्वल टू n कर देते हैं, ये करना जरूरी है याद रखिएगा, एक अलग वेरिएबल पर नंबर साइन करना है क्योंकि ये फिक्स होता है, रिप्लेस नहीं होता, चेंज नहीं होता है। यहां फिर कहेंगे यहां पे d इक्वल टू रिप्लेस, क्या है रिप्लेस में हमें d को रिप्लेस करना है, किससे करना है डी से रिप्लेस, डी में क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने बोला सी एच आर ब्रैकेट में आई, किससे करना है ब्लैंक से, जस्ट लाइक जो यहां पे दिखाया गया है, जो आपने इसको स्टडी किया होगा, एक सी एच आर के ही है। हेलो हेलो, तो आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा कॉल कीजिए। ठीक है, और हमारे पास रिप्लेस का क्या फॉर्मूला था, अल्फाबेट किसको किससे करना है, ठीक है, और हमारे पास स्काई टेबल का ए है, तो कोड की जरूरत नहीं है, हमें कोड फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम कोड की टेबल ले लिए। तो ए वन बाय वन क्या करेगा, 58 से 27 पर जाएगा, जो होगा उसको रिप्लेस कर देगा, जो नहीं होगा उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहां पे करते हैं नेक्स्ट आई, और फिर जो रिजल्ट क्या होगा, नम आर इक्वल टू डी। अब आइए यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, यहां पे करते हैं नम आर कर दिया रिप्लेस, बट इसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह रिप्लेस नहीं करेगा, बेसिकली सीक्वेंस ब्रेक है ना, या फिर यहां पे आपको ये जीरो से लेके छोड़ना है ना आपको, तो हाँ तो इसमें आप ये कर सकते हो, 33 से स्टार्ट है आपका, तो 33 से लेके 33 से लेके आपको 127 तक चलाना पड़ेगा, 33 से लेके 127 तक, और आपको कंडीशन यहां पे देना पड़ेगा कि इफ इफ आई इज लेस देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए, हमने यहां से लिया था ना 33, मतलब कि 47, और या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 58 होगा, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57, ऐसा हो तभी रिप्लेस करो, नहीं तो छोड़ दो, एल्स कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको भी लगाया कर रहा है।
सही है। अगर कोई स्पेशल करेक्टर दे दूं, मैं डॉट दे दिया मैंने, काम का डॉट हटा दिया, तो आप अपने हिसाब से, लेकिन स्पेशल करेक्टर में डॉट को छोड़ना होगा, डेसिमल नंबर हुआ तो। तो डॉट घटाने के लिए क्या करोगे? यहां पे देखो डॉट के लिए क्या है, डॉट के लिए है 46। 46 है ना, तो यहां पे कंडीशन दो, यहां इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, सॉरी इसको ब्रैकेट में ही डालना, इसको यहां पे, और फिर यहां डालो एंड एंड आई इज नॉट इक्वल टू क्या था, राजन म्यूट कर दिया राजन जी, दंगनाथ जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो डॉट हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पे कंडीशन दिया कि रिप्लेस ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले में हमने कोड के बारे में पढ़ा, इस फॉर्मूले हमने रिप्लेस के बारे में पढ़ा, कैर के बारे में पढ़ा, तो तीन फॉर्मूले इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गए हमारे। किसी को डाउट है इसमें कुछ? तो हमने एक फॉर्मूला बनाया कि इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों साथ में है, तो पूरे न्यूमेरिक को डिलीट कर दे, रिमूव कर दे, और सिर्फ टेक्स्ट नंबर नंबर को सारे एग्जिस्ट करे। तो हमने इसके लिए एक फंक्शन बनाया जिससे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया कि 33 से 127 तक चले, उसमें से 47 टू 57 तक के नंबर को स्किप कर दे और यहाँ पे 46 को स्किप कर दे, और बाकी जितने भी नंबर मिले उन सबों का कैर, उसका कैर निकाले और उस कैर को इस टैग से रिप्लेस कर दे, ठीक है। अब आगे चार्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या कैर ये वाला? हाँ एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो कि एक्सेल के अंदर कैर का फॉर्मूला था ना, CHR कैर फॉर्मूला, वो क्या करता था, कोई नंबर डालोगे तो करेक्टर डिपेंड करता है, उसी तरीके से CHR डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है VBA को, VBA के अंदर सपोर्ट करता है किसको, CHR को। तो CHR भी वही कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ से जो लगाया फॉर्मूला, इसमें CHR क्या कर रहा है, रिप्लेस को क्या दे रहा है, करेक्टर दे रहा है, क्योंकि रिप्लेस को करेक्टर चाहिए रिप्लेस करने के लिए, ना कि नंबर चाहिए, नंबर देगा तो नंबर रिप्लेस है, करेक्टर रिप्लेस नहीं करेगा। तो आई क्या है, आई तो नंबर है, तो आई का जो नंबर है उस नंबर का जो टेबल में जो उसका करेक्टर है उस करेक्टर में वो कन्वर्ट कर दे रहा है, जो यहाँ पे स्काई वैल्यू में करेक्टर है इसके ये जो नंबर इस करेक्टर में कन्वर्ट कर, अगर आई का मान अगर मान लो कि अगर आई का मान अगर मान लो 67 हुआ तो कैर इसको सी में कन्वर्ट कर देगा, और सी में कन्वर्ट कर दिया, और ये दोनों काम करता है, बड़ा में भी और छोटा में दोनों में चलता है, ठीक है ना, बड़ा या छोटा, अगर छोटा हुआ तो 99 होगा नंबर, अगर बड़ा हुआ तो 68 होगा, तो उसको कन्वर्ट कर देगा करेक्टर में और रिप्लेस उस करेक्टर को ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा, सिंपल सा मेथड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कॉनकेटेनेट तो आपने यूज किया ही है, एम्परसेंड का साइन होता है ज्वाइन करने का, मैंने डीवी में इसका यूज करके आपको बताया, जैसे एक्सेल में यूज होता है ऐसे डीवी में यूज होता है, क्योंकि ये दोनों का सपोर्ट करता है, डब्ल्यू और डब्ल्यू एस वर्कशीट और डीवीए दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब कि डीवीए में जैसे लगाते हो ऐसे एक्सेल में लगाते हो, दोनों सेम है। फिर आता है करेंट डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी क्या करता है, आपका करेंट सिस्टम पाथ निकालता है, ठीक है ना, करेंट सिस्टम पाथ निकालता है, मतलब कि आप फाइल सेव कराना चाहते हो, आप फाइल सेव कराना चाहते हो, आप मान लो कि आपने एक फाइल को आपका आपने एक सिस्टम बनाया जिसमें क्या होता है कि कहीं से डेटा डाउनलोड करके कहीं पे सेव करेगा और फिर वहां से डेटा उठाएगा और फिर पाइवट लगाएगा, ओपन करेगा और पाइवट लगाएगा, इस तरह कुछ काम आपने बनाया, तो प्रॉब्लम उसमें क्या होगी, आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपने डेस्कटॉप का लोकेशन फिट कर दिया, लेकिन हर किसी का डेस्कटॉप लोकेशन सेम नहीं होता, आपने डी ड्राइव का लोकेशन फिक्स कर दिया, हर सिस्टम में डी ड्राइव होना जरूरी नहीं है,
तो आप क्या करते हैं कि उस सिस्टम की डिफॉल्ट जो आपका सेविंग पाथ है, मतलब कि जो कंट्रोल एस करने पे जो पाथ आता है, ये पाथ जो है ये बता दे, कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर किसमें, सी पे स्टोर कर लेगा, कहने कि यही काम करता है। और फिर उसके उस पाथ को आगे आप यूज कर लो, ओपन करने में, फाइल ओपन करने में यूज कर लो, फाइल को सेव करने में यूज कर लो, समझ रहे। तो एक पाथ उसके लिए क्या आता है, करेंट डायरेक्टरी। मैं इसका यूज करके बताया था, ठीक है। और यहां पे आप इक्वल एमएम ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है, करंट सिस्टम पाथ आप ले सकते हो, उसका नाम होता है करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेट सेटिंग। फॉर्मेट के फॉर्मूले तो आपने पढ़े ही है, जो टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है उसमें दो तरह, एक तो आप डी डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट डाल सकते हो, या फिर एक और फॉर्मेट होता है आपका स्टैंडर्ड डाल दोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, आपने परसेंटेज डाल दिया तो इस तरह से दिखेगा। हेलो 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 बोलिए। हाँ मैं तो पोर्ट आउट करवा लिया है आपका नंबर, और मेरा 250 रुपये का सिक्योरिटी मनी है, आप उसके साथ इसका एडजस्ट कीजिए। ओके थैंक यू, बताते हैं ना सब आएगा, ठीक है ना, उन्हें बन चले अभी स्ट्रिंग फंक्शन आज कर रहे हैं ना। तो फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट में एक तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग को चीजें और डाल सकते हो, या फिर आप इस तरह का जो चीजें हैं और नंबर डाल सकते हो, इसमें यस नो भी आता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको 01 का आया हुआ है रिजल्ट, क्या आया हुआ है, 0 ना तो 1, 0101, तो उस 01 को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, या ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, यस नो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप फॉर्मेट में यूज करोगे, ऑन ऑफ में हो जाएगा। अगर फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट में आपने ए दे दिया, यस नो स्लैश दे दिया, मतलब कि आपने यहां पे दे दिया कि फॉर्मेट एन कॉमा सॉरी यस नो, फंक्शन हमेशा एक वेरिएबल पे अप्लाई होता है, ठीक है, इन एज नहीं न्यूमेरिक बाइट कर लो ना, 1201 है ना, इसलिए बाइट। तो यहां पे अगर मैं एमएम इक्वल एमएम स्लैश 1 यूज किया तो क्या आएगा, नो यू, और जहां 1 होगा यस। उसी तरीके से अगर मैं इसमें ट्रू फॉल्स यूज करूं तो ट्रू फॉल्स आएगा, ऑन ऑफ यूज करूं तो ऑन ऑफ आएगा। तो ये तीन अलग अलग चीजें जो आप इसके फॉर्मेट के साथ यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो फॉर्मेट, इससे पहले फॉर्मेट भी मैं आपको बता चुका हूं, और फॉर्मेट के अंदर क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हो, फिर आता इन एस टी आर और इन एस टी आर रिवर्स, फिर आता इन एस टी आर और इन एस टी आर रिवर्स। चलिए इसमें यूज करते हैं, चलिए इसमें दीपांगा कुछ पूछना है क्या, दीपांगा कुछ पूछना है क्या, नहीं सर म्यूट करो।
म्यूट करो। और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि हमने आपको जब स्ट्रिंग फॉर्मूले सिखाए थे तो आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हमने इस नंबर को अलग किया, बताया था डॉट के बिहाफ पे या जीरो के बिहाफ पे हमने इसको अलग किए थे। अब इसमें क्या है कि मुझे इसको अलग तो करने, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसको तो हम जैसे लोग लगा सकते हैं जो एक्सेल जानते हैं, लेकिन जो एक्सेल बिल्कुल नहीं जानता उनके लिए सिंपल फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला देना है कि एल डालो लेफ्ट डालो, आर डालो राइट निकाल लो, इस तरह का सिंगल लेटर है, सिंगल बस उसको असाइन करना है, बाकी अपने आप पीछे पीछे हो जाए। तो हमने चेक किया था कि हमने क्या किया था, हमने लिखा था फाइंड। सबसे पहले हमने फाइंड यूज करके हमें डॉट को लोकेशन निकाला था कि चौथा नंबर लोकेशन से, मतलब इसने बता दिया कि जो डॉट है वो डॉट चौथे नंबर पे। और फिर हमने लेफ्ट का फॉर्मूला यूज किया था और लेफ्ट में हमने 4 माइनस 1 कर दिया था, तो 1 2 3 लास्ट 3 डिजिट आ गए। और ये ऑटोमेटिकली थे, अगर लास्ट में कोई 4 डिजिट भी है तो पूरा 4 डिजिट ही आएगा, मतलब कि डॉट से पहले की पूरी वैल्यू इस पे आएगी, ठीक है। बाद में इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया था। तो इसमें मुझे जरूरत जरूरत क्या पड़ी थी, दो फॉर्मूले की, लेफ्ट फॉर्मूला और फाइंड फॉर्मूला। हम अपने लिस्ट में देखते हैं कि लेफ्ट फॉर्मूला जो वर्कशीट का होता है वो एक्चुअली सपोर्ट करता है हमें वीवीए को, तो लेफ्ट फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइंड कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जो इन एस टी आर है, इन एस टी आर लाइक अ फाइंड, बस लगाने का तरीका इसका उल्टा होता है, ये बिल्कुल फाइंड के तरह ही काम करता है। कि इसमें पहले आपको देना होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर देना होता है टेक्स्ट, फिर कार ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका लोकेशन डाटा 9, जैसे टेक ऑन द नेट का है तो 10 का यूज किया, जैसे रिटर्न 9 किया है तो 10 9 पे आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे देख लो 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन एस टी आर हम अपने फॉर्मूला में लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा फंक्शन, सब्जेक्ट नहीं डालेंगे, सब्जेक्ट तो माइक्रो के लिए होता है, फंक्शन डालेंगे, फंक्शन एल, और करेंगे एन एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और एल बड़ा लिख देते हैं ना, सही रहेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले हम यहां पे एक करते हैं डिम आर एज ए बाइट, बाइट है इंटीजर, जो भी लिखना चाहो लिख लो। और आर इक्वल टू मैंने किया इन एस टी आर, इन एस टी आर इसमें मैंने दिया कि 1 से स्टार्ट करना है, ढूंढना है क्या है, तो किस में ढूंढना है, एन में ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हमें डॉट ढूंढना है, ठीक है। और फिर हम करेंगे कि एल इक्वल टू लेफ्ट, जैसे हम लेफ्ट फॉर्मूला जैसे हम एक्सेल में लगाते हो वैसे लगेगा यहां पे, लेफ्ट एन कॉमा आर माइनस 1, जैसे हमने वहां पे लगाया, ठीक है। एल, अब देख लो कि ए फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है या ए फॉर्मूला, ए फॉर्मूला आपने नॉर्मल एक्सेल से बनाया, ए फॉर्मूला आपने खुद के लिए बनाया, तो इजी यही है। तो इसमें हमने फाइन इन एस टी आर का यूज किया, कोई डाउट इसमें आप लोगों को, इन एस टी आर रिवर्स, इन एस टी आर रिवर्स क्या करती है, इन एस टी आर रिवर्स करती है वो पीछे से ढूंढना स्टार्ट करती है, मतलब कि अगर इन एस टी आर लगाते हैं तो क्या करता है, इधर से ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन इन एस टी आर रिवर्स करेंगे तो यहां से ढूंढेगी, लेकिन काउंटिंग वो यहीं से करेगी, अच्छा नहीं। अब जैसे यहां पर राइट टू लेफ्ट चलता है, तो लेफ्ट टू राइट चलता है ना, फाइंड फॉर्मूला क्या चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, काउंटिंग भी लेफ्ट टू राइट चलता है, सेम एस टी आर फॉर्मूला, इन एस टी आर फॉर्मूला भी लेफ्ट टू राइट चलता है और काउंटिंग भी लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन इन एस टी आर रिवर्स क्या चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, लेकिन काउंटिंग लेफ्ट टू राइट ही करता है।
तो यहां पे जो ढूंढेगा तो यहां से यहां तक की काउंटिंग दिखाएगा। तो चलिए इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आर एन एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद यहां पे करेंगे हम डिम आर एज ए सॉरी एज ए स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल लिया डिम आर एज ए स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल लगाते हैं हम कि डिम आर वन एज ए सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगा बाइट इंटीजर ही होगा इंटीजर या बाइट ले लो यहां पे बाइट होगा बी आई टी बाइट ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा पहला होगा आर इक्वल टू इन एस टी आर और इसमें आपका हो जाएगा वन कॉमा एन कॉमा क्या ढूंढना है डॉट को ढूंढना है। ये तो हमने इसका निकाला स्टार्टिंग पहली डेसिमल्स, तो दूसरे डेसिमल इन स्टार लगाने का तरीका थोड़ा सा अपोजिट है। अल्फाबेट क्या ढूंढना है क्या ढूंढना है, इसमें नंबर हट जाता है, इसमें नंबर डालने की जरूरत है, अगर नंबर डालते तो लास्ट में डालते, लेकिन हमें अभी नंबर की जरूरत पड़ती नहीं, नंबर स्किपिंग के लिए होता है। तो यहां पे करेंगे आर वन इक्वल टू इन एस एस टी आर रिवर्स इसमें हो जाएगा एन कॉमा हमें डॉट। तो हमें क्या निकल गया इसमें से, हमें निकल गया आपने इस नंबर से स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब इसका आ गया होगा आपको पांच छह और इसका आ गया होगा दस, तो बीच की निकालना है वैल्यू। तो हमारे हमने देखा अपने फॉर्मूला लिस्ट में कि मिड का फॉर्मूला भी काम कर रहा है, तो हम मिड का फॉर्मूला भी यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां पे हम करेंगे मिड होगा ना राइट नहीं होगा एम कर देते हैं इसको एम इक्वल टू एम आई टी मिड और फिर यहां पे क्या करेंगे एन और यहां पे होगा आर प्लस वन और फिर आर वन माइनस आर वन क्यों होगा यार, यहां पे ये बताओ मैं ये देखो यहां पे तुम भूल गए ऐसा लग रहा है, यहां पे देखो कि ये आपका दसवां पोजीशन है, ये आपका सॉरी छठा पोजीशन है, ये आपका दसवां पोजीशन है, अब सात में से स्टार्ट कर रहे हो और दस में से पहले चलना है, तो मिड के मिड को क्या चाहिए होता है, मिड को चाहिए मिड फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, मिड को फॉर्मूला चलता है चाहिए होता है कि टेक्स स्टार्ट पोजीशन कि भाई मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो हमें तीन से स्टार्ट होना चाहिए था और फिर कितने करेक्टर्स चाहिए नंबर ऑफ करेक्टर, तो नंबर ऑफ करेक्टर हमें तीन ही चाहिए ना, तीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा ना इसको इससे, समझ लो ना कि यार ये दिल्ली से जयपुर का रास्ता पूरा एरिया है और ये आपका जयपुर दिल्ली से आगरा गया, तो जयपुर आगरा के बीच में कितना दूरी है माइनस कर लो ठीक है, ये हमारा निकल गया। लेकिन इसमें दिक्कत होगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अभी क्या प्रॉब्लम आएगा वो इस पता चल सकता है। चलिए मिड को लगा रहे हम एम लगाएंगे ना डॉट आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ गरिमा मुझे एक्सप्लेन करो कि ये डॉट लास्ट में क्यों आया, आर प्लस वन से स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन माइनस सिर्फ आर ही कर रहे हैं ना,
मतलब ये हुआ कि 10 में से हम 6 माइनस कर रहे हैं तो 4 आएगा, हमें तो चाहिए 3, एक डॉट आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इनएसटीआर या फिर फाइंड जो काम करता है वो हमने डॉट लिया तो डॉट तक की काउंटिंग निकाल जा रही है, डॉट से पहले तक की काउंटिंग, ठीक है ना, इसीलिए हमें यहां पे एक और माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आपका रिजल्ट सही आएगा। आप लोग कोई डाउट है बता दीजिए इस पे, इस कोडिंग पे अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे पूछ सकते हैं मुझसे आप। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आप चलते हैं राइट राइट की तरफ, आर आई जी एस टी राइट की तरफ फॉर्मूला है, तो उसके लिए लिखें फंक्शन आर एन एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पे ऐसे डीम आ रहा है बाइट लेते हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभी नॉर्मल एक्शन लगाएगा तो कैसे निकालना पड़ेगा कि मुझे इसकी दूरी चाहिए और कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो लास्ट में 1 3 पता है ना, मान लो कि ये इसका 10 निकला था और पूरा कितना 13 है, तो राइट 13 माइनस 10 तो 3 आ जाएगा, तो ये 125 आ जाएगा राइट से, तो हमें इन एस टी आर ए भी लगाना पड़ेगा, दोनों लगाना नहीं ये लगा जरूरत नहीं आर, और मुझे यहां पे ये करना है, इसका यूज करना है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे आर इक्वल टू आर आई जी एस टी राइट, और इसमें करेंगे हम एन कॉमा लेन, लेन फॉर्मूला जैसे एक्सेल में लगता है ऐसे यहां भी लग जाता है, लेन जा गया कंप्लीट लेंथ ऑफ टोटल करेक्टर ऑफ एन माइनस, उसमें से हमने बोले कि जो हमने आर पे घटाए हैं वो हटा दो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई ये दो दो वेरिएबल एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको आर वन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, अप्लाई करके देखते आर, इसमें दिक्कत है आर फॉर्मूला क्या ले रहा है, सकता है आर से कुछ पहले, हाँ आर से कुछ पहले होगा इसलिए आर नहीं, आर फॉर रो होता है आई थिंक इसलिए नहीं ले रहा है, आर और कॉलम दो नहीं लेता है मुझे याद आया, आर ओ एन सी दो नहीं लेता है, अभी ले लेगा ले लिया ना, आर एन सी दो नाम का फॉर्मूला, दो नाम के मैक्रो नहीं बना सकते हो, तो फंक्शन नहीं बना सकते हो ना यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है तो हमने तीन फॉर्मूला बनाया लेफ्ट राइट और मिड के लिए, और जिसमें हमने इस मेथड को यूज किया लेफ्ट के लिए मिड के लिए एंड राइट के लिए, इसमें हमने इन एच टी आर और इन एच टी आर रिवर्स का यूज देखा कि क्या यूज है, तो इस तरह का यूज आप कर सकते हो, फिर एल केस फॉर लोअर केस मैंने बता ही चुका है चीज आपको, लेफ्ट लेन ट्रिम, जैसे आप एक्सेल में ट्रिम लगाते हो ना तो एक्सेल में सिर्फ ट्रिम था, इसमें अलग अलग एल ट्रिम और आर ट्रिम, एल ट्रिम क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड में जो स्पेसेस होता है उस स्पेसेस को रिमूव करता है, आर ट्रिम क्या करता है राइट साइड के स्पेसेस होते हैं उसकी स्पेसेस करता है, और सिर्फ ट्रिम जो एक्सेल का पार्ट है जो कि वीबीए में नहीं है उसको आप लेके सर बाकी फंक्शन क्लिक करना जो दोनों तरफ का करता है, ठीक है। मिड हो गया, रिप्लेस हो गया, राइट भी हो गया, आर ट्रिम भी समझा दिया, स्पेस आपने एक्सेल में रेफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, रेफ फॉर्मूला क्या करता था कि रेफ फॉर्मूला रिपीट करता था कि किसी भी नंबर को जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम रिपीट कर देगा,
स्पेस का फॉर्मूला भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, बट वो रिपीट तो करता है बट एक पार्टिकुलर करेक्टर को नहीं, स्पेस को। कि आपने इसके अंदर जब पांच डाल दिया तो पांच स्पेस आपको रिटर्न करेगा, और फिर पांच स्पेस को आप कन्वर्ट कर लो किसी में इसमें रिप्लेस के माध्यम से, तो आपको पूरा का पूरा रैप फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेस का फॉर्मूला क्या करता है, जितना नंबर डालोगे उतना उतना स्पेस कन्वर्ट करके दे देता है। सिंपल से फंक्शन है, इसका कोई खास यूज भी नहीं होता है। उसके बाद आता है एसटीआर। एसटीआर होता है स्ट्रिंग के लिए, किसी पार्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, समझ गए। इफ कंडीशन में क्या होता है, सेंसेटिव होता है। तो इफ में आपने दो चीज मैच नहीं कर सकते हो, जैसे आपने 16 है और ये 16 है, बहुत सेम नहीं है, तो इसको आप इक्वल करोगे तो आपको फॉल्स आएगा। तो दो तरीके, खाया तो इसको कन्वर्ट कर दो इंट में या फिर वैल्यू में, अब मैच हो जाएगा। लेकिन आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपका ये जो 16 है, सेकेंड 16 है, यही बन जाए हमारा करेक्टर, टेक्स्ट बन जाए। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, टेक्स्ट कॉमा हैश यूज करते हैं ना। अब टेक्स्ट बन गया, अब दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड को अगर यूज करना है आपको वीबी में, तो आप फॉर्मेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सेम एक्सेस टेक्स यूज किया था वहां पे फॉर्मेट यूज कर सकते थे। लेकिन फॉर्मेट के भी एक अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, वह है एसटीआर। वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग, वैसे इंट फॉर्मूला है वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ऐसे एसटीआर फॉर्मूला स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। डाउट है इसमें आप लोगों को, एसटीआर कन्वेंस। मैंने आपको एल केस और यू केस जिस दिन पढ़ाया था कि लोअर केस में और अपर केस में कन्वर्ट करता है, किसी मान लो किसी टेक्स्ट को अपर केस में लोअर केस में, जब लूप पढ़ाया था लूप सिलेक्शन वाली, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर मुझे अगर प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने हो तो कैसे करेंगे प्रॉपर केस। तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं एसटीआर कन्वेंस। ठीक है, एसटीआर कन्वेंस एक केस चेंज करने के लिए होता है, मतलब कि आप एक फॉर्मूला ना चाहते हो जो अपर लोअर दोनों में कन्वर्ट कर दे, तो आपको यहां पे चॉइसेस देने होते हैं। ठीक है ना, कि क्या कन्वर्ट करना है। तो कैसे एक्चुअली इसका यूज करके बताता हूं आपको। फंक्शन चेंज केस सीसी एन एज ए स्ट्रिंग, और फिर मैंने बोल दिया एन वन एज ए बाइट। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला ए, ये आपका एसटीआर कन्वेंस, कन्वेंस होते कन्वर्ट होता है, एसटीआर कन्वर्ट सी सी इक्वल टू, इसमें बोला n और कॉमा आपने यहां पे होता है अपर लोअर वगैरह है तो n1 डाल दो। और ऐसा क्यों कर रहे हो, n1 क्यों डालेंगे, बेसिकली कि यहां पे आप है तो बीबी लोअर केस अपर केस भी डाल सकते हो, या तो इसके नंबर्स डाल सकते हो जो कि ऊपर दिए हुए हैं, 1 फॉर अपर केस, 2 फॉर लोअर केस, 3 फॉर प्रॉपर केस। ये यूनिक कोड के लिए होता है, जब हम कन्वर्ट करके डेटा कैसे लाते हैं उसके लिए होता है, एक एक सेल को यूनिक कोड में कन्वर्ट कर देते, फॉर्मेटिंग मेटिंग सब हटाए कन्वर्ट करके ले जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए होता है। तो यही यूज करते हैं यहां पे सीसी, इसको सिलेक्ट किया कॉमा टू लोअर केस, और इसमें करता हूं सीसी कॉमा वन अपर केस, यहां पे करता हूं सीसी कॉमा थ्री प्रॉपर केस। तो एसटीआर कन्वर्ट जो होता है क्या करता है, टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का काम करता है, और ट्रिम फॉर्मूला जैसे बक्सीट में यूज होता है वो यहां भी यूज होता है, और वैल फॉर वैल्यू, मतलब
कि सर पहले मैंने बताया था कि 16 को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंट लगा सकते हैं या फिर वैल्यू लगा सकते हैं। तो इंट वीवी में इंट का पोजीशन तो 32,000 समथिंग में ही है ना, उससे ज्यादा हुआ तो उस केस में हम यूज करते हैं वीएल वैल। दूसरा कि वो डेसिमल प्लेसेस को नहीं लेता है, अगर 16.32 हुआ तो ये इंट आपका जो है नहीं कन्वर्ट करेगा, वो 16 ही दिखा देगा। तो उस केस में हम करते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या करता है कि कन्वर्ट करके एक्चुअल नंबर लेके आता है, रियल नंबर। तो अगर वीवी में इसका यूज करना हो तो आप क्या यूज करोगे, वैल, वैल फॉर वैल्यू। एक्सेल में वो वैल्यू है, वीवी में क्या हो गया, वैल बन गया। चीज याद रखने पड़ेगा आपको। देखो इसमें एक और फायदा है वैल में, वो तो कन्वर्ट तो करता ही करता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का एड्रेस लिखा हुआ है कि 10 मेन स्ट्रीट, तो 10 अलग कर देगा। माने कि पहले, सबसे पहले जो करेक्टर है, नंबर है, उसको अलग कर देगा। माने इससे पहले जो हमने आपको ए फॉर्मूला हमने करके दिखाया था ना, इससे पहले ये इसमें था, हमने जो लगाया था नंबर आर में फॉर्मूला जो इतना लूप लगाई थी, तो उसके जगह पे अगर आपको मान लो कि सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन में नंबर है, लेकिन नंबर के करेक्टर पता नहीं कितने नंबर है, ठीक है ना, तो आप वैल लगा दो, जितना भी नंबर अभी लगा स्पेस हुआ तो भी उठा ले, या फिर आगे स्पेस हुआ तो भी उठा लेगा, लेकिन स्पेस के अलावा कोई और हुआ जैसे डैश हो गया, कॉमा हो गया, तो नहीं लेगा। हाँ डॉट होगा तो उठा लेगा, डॉट और स्पेस को उठा लेगा, उसके अलावा कोई कैरेक्टर होगा तो आगे ये 34 है, देखिए 34 - 10 है ना, इसे 34 ही उठाया इसने, ठीक है। तो वैल फॉर्मूला लगा सकते हो। लगाने के लिए एक आपको ये चाहिए, एक न्यूमेरिक चाहिए, नंबर चाहिए, चाहे वो डबल में हो चाहे वो अच्छी में हो, और फिर आप वैल लगा दो और नंबर डाल दो, वो रिटर्न कर देगा आपको। तो इस कैटेगरी जो आपकी थी, स्ट्रिंग फॉर्मूले की कैटेगरी थी, इस स्ट्रिंग फॉर्मूले की कैटेगरी में कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। कोई अगर फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया हो, या दोबारा समझना चाहते हो, या मैं छोड़ दिया हूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए अब बारी नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है, वो आती है हमारा न्यूमेरिक मैथमेटिक, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें जो कन्वर्टेड फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला सीखने वाली चीजें नहीं है। सबसे पहला एबीएस फॉर्मूला जो कि एक्सेल में थी, अब्सोल्यूट करती थी, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का काम करती थी। एटीएन फॉर्मूला क्या है, एटीएन फॉर्मूला से टैन थीटा का मान निकालता है, आई थिंक हाँ वही है, एंगल डालो टेन थीटा का मान निकालती है, तो इसका भी कोई खास यूज नहीं है। कॉस कॉस थीटा का मान निकालता है, ईएक्सपी भी आपको वो एक्सपोनेंट था, फिक्स क्या करती है, ये भी इंटीजर पॉइंट ऑफ नंबर बताती है, मतलब ये डेसिमल्स को रिमूव करता है। आप 210.6 से मैं डाला तो फिक्स करने में डाल दिया, तो आप यहां पर राउंड की जगह फिक्स का यूज कर सकते हो। राउंड बोला क्या करता है कि राउंड कर देता है, लेकिन आपको डेसिमल्स हटाने हैं तो इसके लिए आप इंट भी यूज कर सकते हो, बट इंटीजर तो इंटीजर के लिए होता है, वो तो 32,000 समथिंग नहीं चलेगा, उससे ज्यादा नंबर है तो आप फिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। लगाने का सेम तरीका, एक आपके पास एक होना चाहिए, एक वेरिएबल, उस वेरिएबल पे इसको साइन करो। फिक्स के बाद यहाँ पे फॉर्मेट, वही फॉर्मेट ही है जो आपने ये पढ़ा है, बस नंबर की फॉर्मेटिंग इसने बताया है इसमें, कि आप इसको फिक्स में स्टैंडर्ड परसेंटेज साइंटिफिक यस नो या ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर आप उसको कस्टम फॉर्मेटिंग की जो चीज है वो डाल सकते हो, सिंपल सा परसेंटेज या परसेंटेज डाल दो अपने आप आ जाएगा।
या फिर 0 पॉइंट इसके अंदर डाल दो, 0.0% डाल दो तो अपने आप आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं तो यूज कर सकते हो, ज्यादातर हम कस्टम का यूज करते हैं तो इजी पड़ता है। इंट तो जैसे एक्सेल में था वही है, लॉग एक्सेल में था वही है, आर एन डी रैंड, समझ गए? मतलब कि रैंड फॉर्मूला क्या करता है कि कोई भी रैंडम नंबर निकाल के देता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। लेकिन इसी की मदद से अब इसने बताया है कि रैंड बिट मीन्स आपने मेरी इस क्लास में, मेरी जो आपके 2-2.5 महीने होने जा रहे हैं इस क्लास में, आपने हमेशा आपने यूज करते हुए देखा रैंड बिट मीन। रैंड बिट मीन किस कंसेप्ट पे बना है वो कंसेप्ट यहां देख लो, लोअर अपर माइनस लोअर, जो रिजल्ट आएगा उसमें +1 करेगा, उसको रैंड से मल्टीप्लाई करेगा फिर उसमें लोअर को जोड़ देगा। एग्जाम्पल कि मुझे अगर 60 से 90 का वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पे 90-60 करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा 90-60+1 कितना रिजल्ट आया? 31 किसी किन्ने में 31 ही आएगा, ठीक है ना, 31। अब 31 में मैं रैन फॉर्मूला लगाऊंगा, रैन क्या करेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर निकाल कर देगा और इसको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मुझे एक नंबर देगा जो हमेशा चेंज होता रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपको 60 से बड़ा ही होगा, 60 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम 60 को इसमें प्लस कर देते हैं और इसको फिर इंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डेसिमल हट जाए। तो हमेशा आपको 60 से बड़ा और 90 से छोटा मिलेगा, ठीक है? तो इसी कंसेप्ट को यहां पे इसने यूज किया कि 200-150+1 मल्टीप्लाई बाय आर एन डी। आर एन डी क्या है? रैन फॉर्मूला है, ठीक है? क्या हुआ दीपक जी? कोई डाउट है? ओके, तो लगाने का तरीका भी सेम है उसका। राउंड तो एक एक्सेल का था और एक वीवीए, राउंड वीवीए का है, ठीक है? और सेम तरीका है राउंड एक्सेल का भी, बीबी का, दोनों का सेम ही है। लगाने का सेम तरीका है कि कितने डेसिमल प्लेसेस आप रखना चाहते हो, 0 करोगे तो नहीं रखेगा, ठीक है? जैसे नॉर्मल एक्सेल में लगाते हो राउंड बोला वही यहां पे लगता है, कोई खास नहीं है। उसके बाद आता है एसएनजी। एसएनजी आई थिंक होता है आपका साइन ऑफ द नंबर, एक्सेल में साइन फॉर्मूला है। अगर आपका नंबर न्यूमेरिक जो है, अगर नंबर आपका अगर डेसिमल से छोटा हुआ, मतलब सॉरी 0 से छोटा हुआ, माइनस पे हुआ, नेगेटिव वैल्यू हुआ तो -1 देगा। अगर आपका नंबर 0 हुआ तो 0 रिटर्न करेगा। अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर है तो हमको आपको 1 करेगा। तो साइन ऑफ द नंबर होता है आपका, तो यहां पे आप साइन ऑफ द नंबर के लिए ये यूज कर सकते हो एस एन जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है साइन, साइन थीटा है तो टैन थीटा है, नॉर्मल एक्सेल का था मैथमेटिकल, उसका यूज करते हैं। और लॉजिकल फंक्शन में आते हैं, हमने आपको एंड पढ़ाई रखा है, और पढ़ाई रखा है, और इस एल्स पढ़ा रखा है, ये दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप वहां लगाते थे वही आप यहां भी लगा देते। इफ एल्स भी एक फंक्शन है, ये आपका इफ कंडीशन, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट, लास्ट में एंड इफ कर दो, ठीक है? लास्ट में एल्स दे सकते हो, एंड इफ दे सकते हो। जैसे यहां पे इसने दे रखा है कि इफ रीजन इक्वल टू एन तो ए आ जाए,
फिर एलसीएफ सेकेंड कंडीशन था कि एस हुआ तो साउथ आ जाए, ए हुआ तो आ जाए और यहाँ पे वापस आ जाए डब्ल्यू आर पे आ जाए, जिसको कुछ नहीं है एल्स नहीं, इसमें एल्स देना ही नहीं है, इसने एंड इफ कर दिया। अगर एल्स देना होता तो फिर यहाँ पे एल्स लिखता और लास्ट में, यहाँ पे देखिए एल्स लिखा इसने और लास्ट इसने कंडीशन में, तो इसका यूज होता है। और एंड भी इसी तरीके से होता है कि आप एक कंडीशन लगाओ और दो कंडीशन आपको एक साथ दो कंडीशन देने, इफ आपको दो कंडीशन देने हैं तो वेबसाइट टेक्नो नेम एंड पेजेस लेस देन इक्वल टू 10 देन लो एंड हाई। तो एंड लगा के, अब दो जरूरी नहीं कि एंड में आप दो ही दे सकते हो, और तीसरा कंडीशन भी यहां दे सकते हो, चौथा कंडीशन भी दे सकते हो, बारहवा कंडीशन भी दे सकते हो, तो इसका यूज कर सकते हो आप। और सेम और में था कि आपका और कंडीशन में सेम ऐसे ही एंड के और दे सकते थे, ये चीज मैंने पहले आपको बता दी थी। अब बारी आती केस, तो केस मैंने आपको पहले नहीं बताया आई थिंक। जब आपके पास, पहले इसकी थ्योरिकल चीजें देख लेते हैं फिर आपको करके बता दूंगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम यहां पे सिलेक्ट देते हैं केस और एक्सप्रेशन देते हैं कि किसके अगेंस्ट हमें मैच करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 25 या एन आर रेंज A1 B1 C1 ऐसे यहां पे डाल देते हैं। उसके बाद देते हैं कंडीशन 1 तो क्या रिजल्ट आए, कंडीशन 2 तो क्या रिजल्ट आए, कंडीशन 3 तो क्या रिजल्ट आए और कंडीशन एल्स तो क्या। इसमें 12 मुझे एल्स ही देने की जरूरत नहीं होती है, बस केस लिखते चले जाते हैं। तो बोले इफ के साथ भी ऐसा ही करते हैं, तो इफ से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है। यहां पर देखिए इसमें दिया हुआ कि केस रीजन, एल्स रीजन क्या एक्सप्रेशन हुआ, मतलब कि हमें कंडीशन जो अप्लाई करनी है, इक्वल आ जो लेस देन इक्वल टू अप्लाई करनी है वो करनी है मुझे एल रीजन पे। और अगर केस 1 केस एन मतलब कि एल रीजन 1 हुआ तो केस हमने हमने समझा कि हमने के एल रीजन को केस के इक्वल कर दिया है। तो यहां पे इक्वल के साइन लगाने की जरूरत नहीं, हमने बोल दिया केस अगर एन है तो एल रीजन नेम जो अलग एक वेरिएबल है उस पे नॉट आ जाए, या अगर केस दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, क्लियर है, समझ आया। अब इसमें बोले ऐसे तो हम इफ के साथ भी कर सकते थे, लेकिन इफ में यहां पे देखो बहुत सी चीजें हैं। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर को लिखना है, कि यहां पे हमने बोला कि एल नंबर हो गया तो यहां पे केस 1 से 10 हुआ तो रीजन का नेम क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए। तो हमें इफ में तो लंबा लिखना पड़ता है, इफ में लिखना पड़ता है कि इफ एल रीजन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन सॉरी 1 फिर एन लगाना पड़ता कि फिर एल रीजन लेस देन इक्वल टू 10, तो ए यहां पे हमारा 1 से 10 सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरा कि सिर्फ 1 और 2 हो, यहां पे हमें वहां पे क्या लगा और लगाना पड़ता, यहां पे हमने कॉमा लगा दिया तो काम चल गया, कॉमा 1 और 2 कि 1 होगा या फिर 2 होगा तो हम इसके रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर अगर लेस देन इक्वल टू कंडीशन तो आप यहां से ले आ सकते हैं कि लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, फिर लास्ट में एल्स कंडीशन, लास्ट में एंड इफ की जगह यहां पे सिलेक्ट एंड होता है। हम केस कहते हैं लेकिन पार्ट ऑफ द सिलेक्ट, वो सिलेक्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो थ्योरी समझ गए आप लोग, अब इसको प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में करते हैं इंसेंटिव, इंसेंटिव का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, जो हमने इंसेंटिव के लिए यूज किया था बहुत सारे इफ जो यूज किए थे ना, तो उसके जगह पे हम यहां पे इसका यूज करते हैं। हम फॉर्म लगाते हैं फॉर्मेट सॉरी फंक्शंस यहां पे देते हैं INCT, हमने बोल दिया N एज ए लॉन्ग, और फिर यहां पे देते हैं हम यहां पे देते हैं कि एक दिन R4 रिजल्ट एज ए रेंज, रेंज सॉरी लॉन्ग भी कर देते हैं, ठीक है। फिर यहां पे करते हैं सिलेक्ट, इसके जगह आपने क्या करते हैं सिलेक्ट केस, यहां पे दे दिया हमने एन, ठीक है। फिर लिखते हैं यहां पे केस 0 से 40 देन
आर इक्वल टू क्या हो जाए 5 वोल्ट। ठीक है, फिर लिखते हैं केस 41-2 एट दी, तो हम बोले आर क्या हो जाए, आर इक्वल टू 1000। फिर करते हैं केस, ठीक है, 81-200 तो आर क्या हो जाए 1000 सॉरी 1500। अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 100 कर दें इस तरह से कि केस ग्रेटर देन 100 इज अपने आप लग जाएगा। ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आर इक्वल टू 5000, तो यहां पे एंड सेलेक्ट कर दो। अगर एल्स देना है तो आप एल्स दे दो कि एल्स यहां पे आर इक्वल टू 0 से यहां पे दे दिया ना, 1 0 से नहीं चलना है, 1 से चलना है। तो 0 आने पे क्या हो जाएगा, 0 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और फिर यहां पे कर दो एंड सेलेक्ट, ठीक है, और फिर यहां पे आई एन सी टी इक्वल टू आर नॉट अ केस। ठीक है, अब यहां पे अप्लाई करें हम आई एन सी टी, इसको अप्लाई कर दिया। अब इसमें कुछ हमें यहां पे केस एल्स देते हैं, एक केस एल्स, फिर एल्स में लिखते केस एल्स देते हैं। आ गया 1000 हो गया, और 0 करूं तो क्या जाएगा, 0 आ गया। अगर 500 करूं यहां पे 111 कर दिया तो 5000 आ गया। अब यहां पे 15000 आ गया, 15000 एक बार चेंज कर दिया तो सब चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो केस समझ में आ गया आप लोगों को, केस को अच्छे से स्टडी कर दीजिएगा, केस इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको काफी यूज होगा केस आपका, तो केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है आप लोगों को केस में, गरिमा कोई डाउट है आपको, हेलो सर। ये आपने एक एग्जांपल इसमें ऊपर जो बताया था 1,2 उसका मतलब क्या है इसमें जो इंटरनेट और एग्जांपल में था वो शायद 1,2। ओके, अगर सिर्फ वन हुआ, अगर सिर्फ वन हुआ या सिर्फ टू हुआ या सिर्फ थ्रू हुआ तो नॉट देगा, तो नॉट देगा। ओके, 3,4 लेकिन मुझे 1 से 10 में सिर्फ 1 मुझे 1 से 10 में सिर्फ 1 ही चाहिए, या फिर मुझे 3, 4, 5 ही चाहिए, या फिर मुझे 3, 4, 5 ही चाहिए, या 6 ही चाहिए, या 7, 11 चाहिए, या 7, 11 चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है। चलिए म्यूट कर लो। तो एक केस आपके लिए यूज होता है, तो आपने लॉजिकल फंक्शन भी कवर कर लिया, लॉजिकल मेथड आपका कवर हो गया। अब बारी आते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन की। इज डेट इंफॉर्मेशन फंक्शन जस्ट लाइक आपका जैसे एक्सेल में यूज करते हैं ना, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट देता है, तो ये भी आपका ट्रू फॉल्स का रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इनपुट बॉक्स के जरिए आप जो है इनपुट बॉक्स के जरिए कोई आपको डेट एंट्री करवानी है, तो जरूरी थे डेट डेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेक्स फॉर्म में लिख दिया हो, तो आप चेक करना चाहते हो कि जो इसने डेट डाला है वो डेट ही है, तो ये आगे की प्रोसेसिंग को फॉलो करे, वरना मैसेज में रिप्रेजेंट करे कि यू हैव नॉट एंटर द डेट, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स में। तो ये रिलेशन के लिए आगे यूजर फॉर्म में इस चीज को पढ़ोगे, यूजर फॉर्म में इस चीज को पढ़ोगे कि इस डेट हो गया कि अगर उसने डेट डाला है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उसने मान लो कि डाल दिया है कोई टेक्स्ट तो फॉल्स रिटर्न करेगा। डेट के सारे तरीके से टूल रिटर्न करेगा, वो स्लैश करके डाले, डैश करके डाले, स्पेस कॉमा करके डाले, तो आपको क्या देगा, टूल रिटर्न करेगा। अगर उसने कुछ और डाल दिया तो फॉल्स, या ब्लैंक डाल दिया तो फॉल्स, तो इस फॉल्स पे कंडीशन लगा के आगे आप जो है अपना काम कर सकते। ठीक है,
फिर आपका आता है इज नल, मतलब कि अगर ब्लैंक हो गया, कुछ डाला ही नहीं, ब्लैंक था, तो क्या होगा? ठीक है ना, तो ट्रू देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिंक करवा रखा है यूजर फॉर्म के ड्रॉप डाउन में एक्सेस से, एमएस एक्सेस की जो आपको मान लो क्लाइंट लिस्ट है आपके, तो क्लाइंट लिस्ट का जो रिकॉर्ड्स है वो आपके एमएस एक्सेस के डेटाबेस में पड़ा हुआ है, आपने उसको यूजर फॉर्म से लिंक करवा रखा है, ठीक है, तो वहां पे जो ब्लैंक होगा यहाँ पे आपको नल शो करेगा। तो आप चाहते हो कि नल ना हो, नल डिलीट हो जाए, तो उस केस में आपको कंडीशन चेक तो करना पड़ेगा नल है, तो नल के लिए आपको इसे यूज करना पड़ेगा इज नल, क्योंकि हमें पता है कि अगर एसक्यूएल से या फिर एक्सेस से कोई भी डाटा ब्लैंक आता है तो एक्सेल में आते हो नल हो जाता है। हाँ, नल नल दिखाएगा, तो उस केसेस का यूज करते हैं। फिर आपका आता है इज एरर, तो नॉर्मल एक्सेल का फॉर्मूला है कि एरर होने पे। फिर ये इंपॉर्टेंट है यूज न्यूमेरिक, जैसे आपने यूजर फॉर्म में अमाउंट का फिगर डाल रखा है, और ये वेबसाइट भी देखते होंगे कि कोई अगर अमाउंट डालता है, डालते ही आपको बताता है कि भाई रिकवर है, ठीक है ना, कि आपने अमाउंट डालते ही आपको देखा कि किसी ने अमाउंट इसमें डाला, अमाउंट में किसी आपने टेक्स्ट डाल दिया तो बता देता है कि प्लीज एंटर ओनली एंटर नंबर, या मोबाइल नंबर में आपने कुछ डाल देते हो टेक्स्ट मेक्स बोलता है, या डैश टेलीफोन नंबर में डैश डाल देते हो, तो ये आपको यूज बताता है इज न्यूमेरिक। अगर डली हुई नंबर न्यूमेरिक, आपने ये जो फॉर्म बनाया है इनपुट्स बनाया, अगर डली हुई न्यूमेरिक अगर नंबर है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसी समय आपको टाइप करते ही आपको बताएगा कि आपका न्यूमेरिक नहीं है, इसका यूज आप आगे यूजर फॉर्म में करोगे। इतना समझ लो कि अगर नंबर और टेक्स्ट को चेक करना हो तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। अब बाकी आया फॉर्मूला आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लेकिन अभी तक जो ऊपर मैंने पढ़ाया वो काफी ज्यादा पढ़ा दिया मैंने आपको, तो मुझे आप लोगों से आज शाम तक, ये नेक्स्ट वीक का एग्जाम्पल नहीं है, आज शाम तक मुझे 20 फॉर्मूले ईमेल पे चाहिए जिसमें आप इन सबों का यूज कर रखे हो, लॉजिक अगर कोई भी हो मतलब नहीं, बस फॉर्मूले चाहिए कि भाई इसका ये काम है, कोई भी अपने हिसाब से बना लो कोई भी प्रॉब्लम को लेके। मैं जब बताऊंगा तो फिर इस तरह से आगे रिलेटेड होगा, तो जब पूरे फंक्शन पढ़ लोगे फिर मैं बताऊंगा अपने हिसाब से। फिलहाल आप अपने हिसाब से 20 फॉर्मूले बनाओ, मैं आपके सामने तकरीबन 5-10 फॉर्मूले से ऊपर बता ही चुका हूँ ना इससे, ऐसे आप कोई कोई कंडीशन निकालो, छोटा छोटे हो बड़े हो, बस एक रिजल्ट आता हो, एक लॉजिक हो कि ये फलाना काम करता है और फलाना रिजल्ट देता है, सिंपल सा। वो इससे आगे के फॉर्मूले थोड़ी सी एडवांस है। मैम बी ट्रांसफर से नहीं आएगी, ड्रॉप बॉक्स से आएगी, जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक। लंबी वीडियो है, लंबी वीडियो बिराज में हैंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास होगी, नेक्स्ट सैटरडे में आपको मैं डेट एंड टाइम लुकअप, इसके बाद बाकी सब मोस्टली खत्म हो जाएगा आपका फॉर्मूला, नेक्स्ट वीक में आपका फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, संडे से हम स्टार्ट करेंगे यूजर।